हाँ तो गौर करिएगा, बड़ी सुंदर बात बताई है कि संगीत और सत्संग के महा संगम के द्वारा जो हमने कर्म किया है उसका हमें फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि बताया गया है विद्वानों के द्वारा कुछ हमारे तुम्हारे कर्म जमा हो जाते हैं और समय आने पर हमें उनका भोग भोगना ही पड़ता है। संसार वालों से छिपकर के हम चाहे कुछ भी कर लें प्यारे, लेकिन जो कड़ कड़ में समाया हुआ है, जो हर जगह है, उससे कुछ छिप नहीं सकता है। ऐसे ही एक हमारे सेंसन जज थे जो कर्म के विधान पर बड़ा ही विश्वास किया करते थे, लेकिन वो ये सोचते थे, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, ये कैसे ज्ञात हो कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है चाहे आगे चाहे पीछे। उनका जो घर था एक नदी के किनारे था, बड़ा ही सुंदर। उनका प्रतिदिन का कार्य था कि वह सुबह 4 बजे उठ करके नदी के किनारे घूमने के लिए जाया करते थे। प्यारे इधर में क्या होता है, एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के आगे और पीछे दौड़ रहे हैं। आगे क्या होता है, जो पीछे वाला व्यक्ति है उसने आगे वाले व्यक्ति को मार दिया, उसकी हत्या कर दी, लेकिन सेंसर जज ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन ना उसे रोका और ना ही टोका। सोचने लगे ये केस मेरे यहां ही आएगा, चलो देखते हैं जो विद्वानों ने लिखा है वो कितना सही है और कितना गलत है। समय व्यतीत हुआ, वो केस उनके यहां पर आया, लेकिन जिस व्यक्ति ने हत्या की थी वो निर्दोष साबित हुआ और जिसने नहीं की थी वो दोषी साबित हुआ। अब तो चक्कर में पड़ गए सेंसन जज, सोचने लगे भाई मेरी आंखों के सामने ये सारा बायका हुआ, लेकिन जिसने बद किया वो निर्दोष साबित हुआ और जिसने नहीं किया वो दोषी साबित हुआ। अब आपको ज्ञात होगा मेरे प्यारे कि जब जज साहब आखिरी बार यानी मौत के लिए सजा बोल देते हैं तो फिर आगे कोई रास्ता नहीं रहता है। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने पास में बुलाया जिसकी सजा बोल गई थी मौत की, फांसी की, कहा भाई, और देखिए ये नियम हुआ करते हैं जजों के कि जब वो डिसीजन लेते हैं तो वो ये भी सोचते हैं, विचार करते हैं हमने सही डिसीजन लिया है या गलत लिया है। जज साहब ने अपने रूम में बुलाया और एकांत में बैठ करके उससे पूछने लगे, भाई अब तेरे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, जो तूने किया है, जो तूने किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, तुझे सजा हो चुकी है, इससे आगे अब कोई बचने का रास्ता नहीं है, लेकिन जो तूने अपने जीवन में गलत किया है और सही किया है पूरे जीवन की सारी कहानी मुझे बता। ये मुझे पता है कि इस व्यक्ति का तूने वध नहीं किया था, मेरी आंखों के सामने हुआ है ये सारा बायका, लेकिन तूने वध नहीं किया, लेकिन फिर भी तुझे सजा हो गई, तुझे सजा बुल गई, मैं यही जानना चाहता हूं ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। उसने कहा, जज साहब क्या बताऊं, मैंने अपने जीवन में बहुत समय पहले एक व्यक्ति की हत्या की थी, लेकिन मैंने अपने होशियारी से और पैसे के बल से मैंने वो दूसरे पर हत्या का आरोप लगा दिया और मैं निर्दोष साबित हुआ, लेकिन मैं भी ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैंने जब व्यक्ति की हत्या की थी तब निर्दोष साबित हुआ और अब मैंने नहीं की तो मैं दोषी साबित हुआ हूं, ये मेरी समझ में नहीं आता है। सेंसन जज मुस्कुरा गए और कहने लगे, मैंने जो किया है अच्छा किया है, गलत नहीं किया है, जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है, क्योंकि विद्वानों ने बताया है
कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो प्रारब्ध में जमा हो जाते हैं और समय आने पर हमें उनका भोग भोगना ही पड़ता है। प्यारे, इसलिए संसार वालों को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा को हम धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे तुलसीदास जी हर जीव के अंदर सिया राम की मूर्ति के दर्शन किया करते थे। आइए, इतनी सुंदर बात बताइए इस भजन के द्वारा, गौर करते हैं। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। जय हो। कड़ में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। प्यारे, जो हमने किया है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचरा का, जो फल बोए वही फल चाखा। यह जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए। क्या बात है। यह जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए। कुछ कर्म नए करने के लिए, जो पहले किए भरने के लिए। यह आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। यह आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। प्रभु ने कर्म का विधान कितना सुंदर बनाया है, यानी जिस प्रकार से किसान जो अपनी खेती में बोता है वही काटता है, उसी प्रकार से इन कर्मों का भी, कर्मों की भी खेती ऐसी है, जो हम करेंगे वही भोगना है। इंसान शुभ कर्म कर,
हमारे अधिकार मिला है जमाने में। इंसान शुभ शुभ कर्म करे अधिकार मिला है जमाने में। कर्मों में स्वतंत्र बना है मगर परतंत्र सदा फल पाने में। अरे कर्म का फल तो वो ईश्वर देने वाला है। इंसान शुभ शुभ कर्म करे अधिकार मिला है जमाने में। कर्मों में स्वतंत्र बना है मगर परतंत्र सदा फल पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। क्या बात है, उस प्रभु के यहाँ न्याय ऐसा है, उसके यहाँ तराजू ऐसा है कि जो जितना करता है उसे उतना ही मिलता है। प्यारे सब पुण्य का फल तो चाहते हैं पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फल पाप का लोग नहीं चाहते, फल पाप का लोग नहीं चाहते। जिसमें दिन रात विचरते हैं। मिलता है सभी को अपना किया, मिलता है सभी को अपना किया। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। और लास्ट वन ने कितनी सुंदर बात लिखी है प्यारे, इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हर गिज माफ नहीं होता। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हर गिज माफ नहीं होता। जब तक ना यही भुगतान करें, जब तक ना यही भुगतान करें, यह दामन साफ नहीं होता। यारे जो हमने किया है उसका हम ही को भोग भोगना है और कोई दूसरा भोगने वाला नहीं है। रहे याद योगेश ये नियम सदा,
रहे याद योगेश ये नेम सदा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो कर कर में बसा प्रभु देख रहा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो कोई उसकी नजर से बचना सका चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो कोई उसकी नजर से बचना सका चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इस संगीत और सत्संग की दुनिया में आपके लिए प्यार भरा नमस्कार। रुने से कुछ नहीं होने वाला प्यारे, हम मुट्ठी बांध करके आए थे और मुट्ठी बांध करके ही जाएंगे, हाथ पसार के जाएंगे, ना कुछ लेकर के आए थे और ना कुछ लेकर के जाएंगे। हमारी साधना प्राय सुनिएगा ध्यान से प्यारे, प्राय हम जितना भजन भगवान का करते हैं उससे कई गुना अधिक संसार का भजन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि संसार का भजन कौन सा होता है, ये धन की इच्छा, स्त्री की इच्छा, परिवार की इच्छा, बड़प्पन की इच्छा, न जाने कितनी आसक्तियां, ये संसार का ही भजन तो है प्यारे। हम जितनी इच्छा भगवान को पाने की करते हैं उससे कई गुना अधिक हम इच्छा संसार को पाने की करते हैं प्यारे। हम जितनी दास्ता भगवान की स्वीकार करते हैं उससे कई गुना अधिक दास्ता अपनी इंद्रियों को सांसारिक भोगों के लिए करते हैं। रात्रि में सो जाते हैं, हमारी इंद्रियां हमें विचलित करते हैं, संसार के भोगों के लिए हम कितना चिंतन करते हैं, कितना ध्यान करते हैं, चारपाई पर पड़े होंगे लेकिन फिर भी, रोगी होंगे लेकिन फिर भी हम भोगों का चिंतन करते रहते हैं। जरा सोचिएगा प्यारे, जितनी व्याकुलता भगवान को पाने की करते हैं उससे कई गुना अधिक व्याकुलता हम अपने सांसारिक सुखों को पाने की करते हैं। हम तुम करते हैं भगवान को पाने की व्याकुलता, लेकिन उससे कई गुना संसार के सुखों को पाने की भी व्याकुलता रहती है। आपको पता है, सोचते हैं भगवान एक गाड़ी हो, एसी का मकान हो, अच्छा मकान हो, दिल्ली में प्लॉट हो, बेटी की शादी हो जाए, बेटा की शादी हो जाए, मेरे पास बहुत सारा धन हो, सारी व्यवस्थाएं हो, ये हम सोचते हैं। इस व्याकुलता में हम हमेशा रहते हैं जब तक हमारी प्राथमिकता यानी भगवान की अपेक्षा ये नश्वर देह और संसार है। वस्तुतः हम सच्चे साधक नहीं हो सकते। अगर सच्चे साधक बनना है तो प्यारे इस मोह माया को त्यागना होगा, इन विषय वासनाओं को त्यागना होगा। वृंदावन की वृक्ष को मर्म न जाने को डाली डाली और पात पे श्री राधे राधे हो। न जाने कितनी बार हम वृंदावन में गए लेकिन आज तक हमें वो वृक्ष नहीं मिला जिसकी डाल डाल पर पात पात पर श्री राधे राधे होती है। समझने की बात है प्यारे, इस दोए को हम खुद कई बार बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन कहां है वो वृक्ष जिसकी डाल डाल पर श्री राधे राधे, वृंदावन में कहां है, किस जगह है? लेकिन प्यारे समझने की बात है, वो वृंदावन में नहीं है, वो हरिद्वार में नहीं है,
वो नासिक में नहीं है, वो उज्जैन में नहीं है, वो पेड़ क्या है और कहां है? वो पेड़ हमारा तुम्हारा शरीर है। इस शरीर हर एक इंद्री पर, हर एक श्वास पर राधे का नाम लेना है हमें, तभी ये भव बाधाएं कटेंगी, तभी रोने से छुटकारा मिलेगा। आइए इस भजन के द्वारा सुनते हैं। यारे रोने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या हमको साथ में लेकर के आए थे? क्या हमको साथ में लेकर के जाएंगे? नहीं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। सिर्फ हमारे जो कर्म हैं वही हमारे साथ जाएंगे, भले और बुरे। इसलिए कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, ध्यान से सुनिएगा इस संगीत और सत्संग के महापर्व में। रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया, रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया, बंद मोटी थी जब यहाँ आया, रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया। प्यारे ये मुट्ठी जो है बंद ही जाएगी, रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया, रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया, बंद मुट्ठी थी जब यहाँ आया, रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया। है वो लेखा जोखा सब डाटा मेरे ठाकुर के यहाँ है, इसलिए ये मत सोचना कि हम दुनिया वालों को पागल बना सकते हैं, लेकिन उस ठाकुर को नहीं, प्रभु को नहीं। हर किताबों में बात मिलती है, हर किताबों में बात मिलती है, ना कोई लाया ना ले जाएगा, ना कोई लाया ना ले जाएगा, खाली हाथों ही चला जाएगा। प्यारे खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही चले जाएंगे, इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना है, अपने कर्तव्य को सुधारना है। और क्या बताया है, ये जहां श्रम है बात पक्की है, ये जहां भ्रम है बात पक्की है, जो यही भूला धोखा खाएगा, जो यही भूला धोखा खाएगा, एक दिन यों ही चला जाएगा। यारे भ्रम में रहने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए जाग जाइए। अगर आप भ्रम में रहे तो
तो धोखे में रह जाओगे और इस दुनिया में भटकते रह जाओगे। और क्या बताया है लास्ट बंद में, उम्र सारी गई है बातों में, उम्र सारी गई है बातों में, बाकी काटी है तू निरातों में, सोच ले बंदे हाथ क्या आया, सोच ले बंदे हाथ क्या आया, ना मिली माया ना बचकाया, बंदे रोता क्यों साथ क्या लाया। रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया, रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया, बंद मुट्ठी थी जब यहाँ आया, रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया, रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया, रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया। हाँ तो देखिए बड़ी ही सुंदर बात बताई गई है, क्योंकि विधि के विधान को कभी कोई टाल नहीं सकता है। एक समय की बात है कि जब भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ करके कैलाश पर्वत पर इधर में गरुड़ को द्वार पर छोड़ गए, शिव से मिलने के लिए अंदर कैलाश पर्वत में प्रवेश कर गए, कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देख करके गरुड़ जी मंत्र मुक्त हो गए मेरे प्यारे। इधर में उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय पर कैलाश पर यमदेव का आना हुआ और अंदर जाने से पहले उन्होंने छोटे से पंछी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा तो गरुड़ जी समझ गए क्या कि चिड़िया का अब अंत समय नजदीक आ गया है, निकट आ गया है। यमदेव कैलाश से निकलते ही इधर में क्या होता है कि गरुड़ को दया आ गई और गरुड़ जी ने उस छोटी सी चिड़िया को मरने से बचाने के लिए प्रयत्न किया और उसको अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर लेकर के जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दी, खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब तक यमराज बाहर आए और उनका मन नहीं माना, उन्होंने पूछ ही लिया, उन्होंने उस चिड़िया की इतनी आश्चर्य भरी नजर क्यों डाली उस चिड़िया के ऊपर, यमदेव से बोले। गरुड़ ने जब उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ, बोले यमदेव जी, गरुड़ जी, मुझे ज्ञात हुआ कि ये चिड़िया कुछ पलों के बाद यहां से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खाली जाएगी। मैं सोच रहा था कि इतनी जल्दी ये इतनी दूर कैसे जाएगी, पर
अब वो यहाँ नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रही है, निश्चित ही मुझे लगता है कि वो मर चुकी हो। उसी समय गरुड़ जी समझ गए और सोचने लगे कि मृत्यु ताले से नहीं टल सकती है, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए प्यारे कृष्ण कहते हैं, कर्ता तू वही है जो तू चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए प्यारे इस भजन के द्वारा बताया गया है कि विधि के विधान को कभी कोई मैट नहीं सकता है, एक प्रभु का हरि का भजन ही हमें इस भवरूपी सागर से पार करेगा। भजन ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पंछी इस शरीर से निकल जाएगा तो फिर पछताने के बाद और कुछ भी नहीं रहेगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब भजन के बिना प्यारे कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जो प्रभु ने लिख दिया है उसे कभी कोई टाल नहीं सकता। क्या बताया है, हम तेरा मेरा में लगे पड़े हैं, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है हमारा प्यारे। क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, मेरा मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब हे प्यारे पछताने के सिवा और कुछ भी हाथ लगेगा नहीं। इसलिए जो कुछ करना है, क्योंकि सबसे अनमोल धरोहर एक राम का नाम है हमारे तुम्हारे लिए, इसलिए उस धन को हमें कमाना ही चाहिए। वो यहाँ भी और जब हम परलोक में जाएंगे तो वहां भी साथ देगा। भरी जवानी की भरे
के सोया, आया बूढ़ा पातु देख के रोया। हाँ भरी जवानी जी भर के सोया, आया बूढ़ा पातु देख के रोया। प्यारे जवानी में हमने ये सूखे समय व्यतीत कर दिया, लेकिन जब बूढ़ा पाया तो फिर हम देखते रह जाते हैं। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बूढ़ापा तो थर थर तू कांपेगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब जब बुढ़ापा आ जाता है प्यारे, तो हमारा शरीर काम नहीं करता है, क्योंकि बताया गया है अगर भजन करना है तो जवानी में ही करना चाहिए, क्योंकि सच्चे वैराग की परीक्षा जवानी में ही होती है। भरी जवानी जी भर के सोया, आया बूढ़ा पातो देख के रोया। भरी जवानी जी भर के सोया, आया बूढ़ा पातो देख के रोया। नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर तू कांपेगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब फिर क्यों रोया, मोह माया के मद में तू क्यों सोया। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, मोह माया के मद में तू क्यों सोया। प्रभु का गुण गाए जा, अपने हृदय में प्रभु भक्ति को लगाए जा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हाथ तो लीजिए मेरे भजनों के प्रेमियों, ये भी हमारा एक चेतावनी भजन योगेश महाराज की आवाज। हे इंसान, ये पंच तत्व से बना हुआ जो शरीर है उन पांचों तत्वों में एक दिन मिल जाएगा, इसलिए कभी हमें गर्व नहीं करना चाहिए। और क्या बताया,
चीता में देंगे लिटा। बुलबुला 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 बुलबुला। सोच समझ मन ये माटी का तन, सोच समझ मन ये माटी का तन। पानी का है बुलबुला 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 बुलबुला। इंसान को कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य भी उसका ही साथ देता है जो व्यक्ति कोशिश करता है, काम करता है, अपनी मंजिल की ओर बराबर बढ़ता रहता है। ये निर्गुण भजन हमसे कुछ ऐसा ही कह रहा है। समय और भाग्य बंदे बदलते जरूर हैं, कर्म तो सही कर बंदे मंजिल न दूर है। रोको ना कदम तुम अपने चलना जरूर है, ठोकर मिले चाहे जितनी बढ़ना जरूर है। समय और भाग्य बंदे सारे बंधे हैं ये प्राणी, भाग्य के भरोसे मत तू बैठना ओ प्राणी। वक्त की घड़ी से सारे बंधे हैं ये प्राणी, भाग्य के भरोसे मत तू बैठना ओ प्राणी। वक्त और भाग्य तेरे पास भी जरूर है, कर्म जब करेगा बंदे चले तब जरूर है। रोको ना कदम तुम अपने चलना जरूर है, ठोकर मिले चाहे जितनी बढ़ना जरूर है। समय और भाग्य बंदे चलेगा उस दिन जब तुम चलोगे, कर्म भी फलेगा उस दिन जब कुछ करोगे। भाग्य चलेगा उस दिन जब तुम चलोगे, कर्म भी फलेगा उस दिन जब कुछ करोगे। वक्त की घड़ी ना रुकती चलती जरूर है, बैठे न बदले भाग रोना फिजूल है। रोको ना कदम तुम अपने चलना जरूर है, ठोकर मिले चाहे जितनी बढ़ना जरूर है। समय और भाग्य बंदे
प्राणी। बीत गया है जो भी भूल उसको प्राणी, सामने खड़ी है मंजिल बढ़ता जा प्राणी। कदम डगमगाए कितने बढ़ना जरूर है, हारना नहीं है तुमको जीतना जरूर है। रोको ना कदम तुम अपने चलना जरूर है, ठोकर मिले चाहे जितनी बढ़ना जरूर है। समय और भाग्य बंदे बदलते जरूर है, कर्म तो सही कर बंदे मंजिल न दूर है। समय और भाग्य बंदे